जी नाज़रीन, मैं आपका होस्ट रंजीत। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मनी वाइंस। जैसा कि आपको बताया गया था, पहले 3 व्लॉग्स में हिस्ट्री दिखाई गई थी, इसी तरह आज भी एक हिस्टोरिकल यानी ये एक प्लेस है, मकबरा बनाया गया है मेहरुन्निसा उर्फ मलिका नूरजहाँ। ये एक जंगी की मुगलिया दौर के हुक्मरान की एक बड़ी लाडली बेगम थी। सबसे ज़्यादा अपनी बेगम को प्रेफर करते थे, तो आज हम इस जगह में मौजूद हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दोबारा बटन लाजमी ना भूलें। आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन इसलिए दबाया जाता है कि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शो हो सके। इसी तरह की आने वाली हिस्ट्रिकल वीडियो आपको दोबारा हमारे इसी चैनल पर मिलेंगी, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। मैं दिखाता हूँ मलिका नूरजहाँ मेहरुन्निसा का दरबार। यानी देखें, सिख दौर हुकूमत के दौरान मकबरे के तमाम रहायशी पत्थर उखाड़ दिए गए थे, पहले भी मैं बता चुका हूँ। और इसके तहखाने में ना इसको तहखानों को खोदने का हुक्म दिया गया। नूरजहाँ और उसकी लाडली बेगम, उसकी बेटी यानी उसकी बेटी लाडली बेगम, लाडली उसका नाम था, लाडली के नाम से पुकारा जाता था उसकी बेटी, उसकी बेटी लाडली बेगम की असल कबूर थी। उसके कमरे में से जो मिला वो लाशों के सिर्फ 2 संदूक ही थे, और जो कमरे में लोहे के कुंडों के ज़रिए लटके हुए थे, कुंडे उखाड़ दिए गए और लाशों को संदूक ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिए गए। यानी जो संदूक थे उनको ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिया गया। मकबरे का मौजूद यानी जो मकबरे में मौजूद है संगे हिस्सा, संगे मरमर से मुज़य्यन फ़र्श और फ़र्शों पर मुश्तमिल है, जिस पर 2 कब्रें हैं, एक मलिका नूरजहाँ की और एक उसकी बेटी लाडली बेगम की। ये फ़र्श आप समझने तकरीबन 1912 में दिल्ली के हकीम अजमल ख़ान ने बनवाया था, संगे मरमर के तवीज़ बेहतरीन कारीगरी से तैयार किए गए हैं।